घर फिर तो उस भर रूबे जमीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। मतलब कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यानी कि कश्मीर में है। और आज हम वही स्वर्ग में आपको सैर करवाने के लिए जा रहे हैं। ये खूबसूरत सी ट्रेन जर्नी आज आपको दिखाएगी कि कश्मीर सच में स्वर्ग है। तो चलिए आज की यात्रा को शुरू करते हैं हम इस खूबसूरत ट्रेन के साथ। ओ, 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 भाई हाँ, और ये भैया बता रहे हैं कि पहला दिन है भाई। ये हमारी ट्रेन का कुछ आगे से व्यू देखिए, काफी। ये देखिए भाई हमारे भाई, इतनी ठंड है ना भाई, इतनी ठंड है। ऊपर से मैं 6 बजे उठ गया और मेरी हालत इतनी ठंडी है ना भाई, मुंह मैंने कैसे धोया भगवान जानता है भाई। इतनी ठंड है भाई, मुंह धोने का मन नहीं कर रहा। बाकी ऐसा कुछ रूम था मेरा, देख लो भाई यहाँ मुंह धोया मैंने, देख लो भाई। बहुत लोग बोले मुंह भी धोया लेकिन भाई नहाया नहीं, भाई नहाया नहीं किया। अभी चलो चलते हैं, लेट हो रहा है भाई, 9 बजे ट्रेन है भाई। सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कश्मीर के बड़गांव रेलवे स्टेशन से। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहा हूँ टिकट बुक करने के लिए। अच्छा भाई, जा रहे हैं टिकट बुक करने के लिए। तो चलो, कहाँ के जाना है आपने? बिहार तक जाना, जम्मू से बिहार। यहाँ हो जाती है टिकट बुक बिहार की? इधर है ना काउंटर है ना। अच्छा अच्छा, बिहार की टिकट बुक हो जाती है। भाई देखो सामने मिल गए बिहार के, बाकी बड़ी बड़ी ठंड है भाई, कैसे रह रहे हो यार यहाँ पे भाई? अच्छा लगा, इतनी ठंड में भी बिहार के लोग मिल गए थे यहाँ पे भी। तो दोस्तों, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम कश्मीर के विस्टाडोम कोच में सफर करने वाले हैं, जो कि 2 महीने पहले चलाया गया था। एलटी गवर्नर आए थे मनोज सिन्हा जी यहाँ पे उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, तो आज हम उसी में सफर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सफर को शुरू करते हैं भाई बड़गांव रेलवे स्टेशन से। और यहाँ का जो तापमान है ना भाई, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे। और भाई मेरे हाथ पैर जम चुके हैं पूरे के पूरे। तो चलो चलते हैं अभी अंदर। बाकी यहाँ पे देखिए नेशनल फ्लैग इंडिया का, वाओ काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। आसपास कुछ नहीं दिख रहा भाई, पूरी फॉग पड़ी हुई है भाई स्टेशन पे। देखो अरे देश के फौजी भाइयों के लिए सल्यूट बनता है भाई, कसम से। इतनी ठंड में यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगा भाई देख के। बाकी ये देखिए, ये बड़गांव रेलवे स्टेशन है जो कि अभी ढकने वाला है, 1-2 दिन में यहाँ बर्फ़ भी गिरने वाली है। और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, अगर आप बाहर से जाते हो तो आपको 400-500 रुपये लगने वाला है। तो मैं डल गेट से आया हूँ यहाँ पे और मैंने पे किया लगभग 500 रुपया भाई, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 500 रुपया लगा मेरा। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए भाई पूरा बड़गांव रेलवे स्टेशन जो कि पूरा का पूरा भाई कोहरे में ढक गया भाई। और अगर आप टिकट्स वगैरह लेना चाहते हो ना लोकल ट्रेन्स की, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन जो हमने टिकट लिए वो ऑनलाइन ही बुक करी है, स्पेशल ट्रेन में, टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन में। यहाँ अगर आप आते हो, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है भाई यहाँ पे। और अभी हमारी टूरिस्ट ट्रेन आने वाली है जैसे आती है ना। और भाई ये जो ट्रेन है ना टूरिस्ट, ये स्पेशल टूरिस्ट के लिए चलाई है, और इसकी टिकट भी भाई कुछ स्पेशल ही है। वो टिकट प्राइस कितने का है डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो, डिस्टेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेयर है ट्रेन का। ये देखिए भाई हमारे टूरिस्ट जितने भी हैं सारे के सारे इस ट्रेन में बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं अपने कश्मीरी भाई। देखो दोस्तों, ये लगी हमारी ट्रेन नंबर 04688 बड़गांव बनिहाल टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन, जो कि चलाई गई थी भाई 23 अक्टूबर को। ये स्पेशल ट्रेन है भाई, सिर्फ 4 हॉल्ट हैं इसके भाई, और इसमें आज हम फर्स्ट टाइम यात्रा करने वाले हैं। देखते हैं कैसी इसकी फैसिलिटी रहती है जो इसमें विस्टाडोम कोच लगा हुआ है। दोस्तों चलिए टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये हर दिन 9:10 पे बड़गांव से निकलती है। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सेम डे 11:05 पे आपको बनिहाल रेलवे स्टेशन पे पहुंचाती है। 1 घंटे और 55 मिनट लेती है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। लगभग 4 हॉल्ट रहने वाले हैं इसके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम सफ़र करने वाले हैं इस ट्रेन के विस्टाडोम कोच में, जिसका फेयर है लगभग 1000 रुपया पे किया हमने भाई विस्टाडोम कोच में सफ़र करने के लिए। बाकी ये है इसका प्रीमियम विस्टाडोम। अगर आप नॉर्मल क्लास में यात्रा करते हो तो आपका 50-60 रुपये में काम हो जाएगा, लेकिन अभी आपको विस्टाडोम की यात्रा करवाते हैं कैसी सर्विस रहती है, कैसा रहता है। तो चलिए चलते हैं, हम आ चुके हैं विस्टाडोम कोच के अंदर। और सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए वंदे भारत की तरह टच वाला डोर मिलता है भाई, काफ़ी बढ़िया है। और ये आ चुके हम इसके अंदर। जैसे आप अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको लगेज रखने के लिए स्पेस मिल जाती है, काफ़ी अच्छी खासी है।
और भाई अंदर से देखो एकदम हम ऐसे लग रहा है जन्नत में आ चुके हैं भाई, कसम से। विस्टाडोम बहुत देखे लेकिन इसके जैसा विस्टाडोम कहीं नहीं देखा भाई मैंने। ऊपर देखो आपको 360 ग्लास व्यू मिलता है। जब यहाँ पे बर्फ गिरेगी ना तो आप जायजा लगा सकते हो कि कितना अच्छा लगेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है और उधर देखिए वॉशरूम इंडिकेटर भी मिलता है। अगर वॉशरूम एंगेज्ड होगा तो यहाँ पे लाल हो जाएगा, अगर वैकेंट होगा तो ग्रीन है देखिए। और मैं अकेला बंदा हूँ जो कि इसमें सफ़र कर रहा हूँ मे बी, क्योंकि अभी कोई भी यात्री इसमें नहीं आया। और सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो 2x2 का मिलता है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट। सामने की तरफ आपको सीसीटीवी कैमरा भी दिया गया है। और भाई ये कर्टन्स की भी कुछ खास बात है वो आपको बता देता हूँ। जो ये कर्टन्स है ना ये कुछ इस तरह से ऊपर कर सकते हो, देखो ये देखो। और ग्लास देखो भाई कितना बड़ा ग्लास है यार, ये देखो ग्लास देखो भाई एकदम बहुत बड़ा ग्लास है भाई। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रे भी मिलती है, देखो ये मिल गई ट्रे, ये आ गया बोतल होल्डर, ठीक है ये देखिए बोतल होल्डर आ गया। और सीट्स पे चलिए बैठ के देखते हैं कैसी है सीट, ठीक है। लगेज रखने के लिए स्पेस नहीं है इसमें तो क्या कर सकते हैं। बाकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा भाई वाइड है, देखो काफ़ी बड़ी बड़ी सीट्स हैं। और सीट्स पे आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलेगा, देखिए चार्जिंग सॉकेट है। सीट को आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए ये देखिए भाई नज़ारा पूरा। और ये मिलता है भाई हैंड रेस्ट लेग रेस्ट, यहाँ पे शायद पिछली वाली सीटों पे दिया गया, देखिए ये देखिए ये लेग रेस्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पे भैया भी लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने के लिए, ये देखिए पूरी नीट एंड क्लीन रख रहे हैं ट्रेन को, शुक्रिया जनाब। तो मेरी जिन यात्रियों से जो भी यात्री इसमें यात्रा करते हैं ना तो भाई ट्रेन को साफ़ सुथरा रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो साफ कर देंगे भाई। ये हमारी ट्रेन का कुछ आगे से व्यू देखिए, काफ़ी प्यारा व्यू आगे से भाई ट्रेन को। और जो ट्रेन का रंग है ना वो एकदम चेंज कर दिया है। और इसके ऊपर सीनरीज जो फोटो पेंटिंग वगैरह चिपकाई गई है ना वो काफ़ी प्यारी है। ये भाई इसका नॉर्मल कोच देखिए, इसमें भी आपको एसी वगैरह मिलता है देखिए। और अगर आप इसमें यात्रा करते हो तो आपको लगभग 50 रुपये पे करने होंगे भाई, और अगर दूसरे वाले में सफ़र करते हो तो आपको 1000 रुपया पे करना होगा भाई। दो दो बंदा दो रहा है भाई ट्रेन को, देखो किस तरह से। टाइम हो रहा है लगभग 9:20 और अपनी ट्रेन ने हॉर्न दे दी है भाई। भैया अपने पटना से, पटना कौन सा जिला आपका? पटना ही हाँ, नालंदा। बाकी निकल चुकी है अपनी ट्रेन बड़गांव से। बाकी अगर आप विस्टाडोम में यात्रा करते हो तो आपको भाई मिलेंगे, क्या नाम आपका? संतोष भाई जी हैं, ये अपने बिहार से हैं भाई। काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत ही पोलाइट बंदे हैं ये और इनका नेचर बहुत अच्छा है भाई। तो भाई इसी में मिलेंगे आपको, टिकट वगैरह चेक। इसमें टीटी नहीं आता है ना? आते हैं श्रीनगर से भाई, टीटी भी आते हैं इसमें। बाकी देखिए बड़गांव से निकलती हुई हमारी DMU। चलो अभी गेट कर लो भाई बंद, ठंड बहुत है भाई। ग्लास व्यू से कितना बढ़िया लग रहा है भाई नज़ारा। हाँ श्रीनगर कश्मीर। सो भाई देखिए फॉग बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, हाँ। और ये भैया बता रहे हैं कि पहला दिन है भाई फॉग का, इतनी फॉग कभी नहीं पीती। और मुझे लगता है बर्फ़ गिरने वाली है तभी ये हालत है ना। देखो भाई ये हालत है भाई, देखो कि भाई यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी जम गई है, जो ओस गिरी हुई है ना वो एकदम जम गई है भाई। और देखो पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे हैं भाई, इतना ज़्यादा कोहरा हो गया भाई यहाँ पे देखो। और अभी अपनी ट्रेन अप्रोच कर रही है भाई अपने पहले हॉल्ट को, जो अपना श्रीनगर कश्मीर। और श्रीनगर आपको पता ही है भाई जम्मू कश्मीर की राजधानी है, समर्स की मतलब कि गर्मियों की राजधानी है श्रीनगर। पहले हुआ करती थी यूनियन टेरिटरी जब नहीं थी ये, जब ये स्टेट थी तब इसकी राजधानी थी ये श्रीनगर। और शायद श्रीनगर से भैया बता रहे हैं थोड़े बहुत यात्री आए इसमें फुल हो जाए श्रीनगर से। अब देखते हैं लोग चढ़ते हैं इसमें कि नहीं चढ़ते हैं भाई, बट कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, इतना ज़्यादा फॉग पड़ा हुआ है कुछ भी नहीं दिख रहा। देखिए आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा भाई।
वो देखिए वो आ गए सारे टूरिस्ट, ये पूरी ट्रेन पैक होने वाली है भाई। ये देखिए देखिए कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग ये देखिए भाई, ये सारे के सारे टूरिस्ट इसी से चढ़ने वाले हैं, अभी देखते हैं भाई। ओ भाई रिजर्वेशन वालों की है भाई, ये रिजर्वेशन वाले। अरे भाई ये कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ आइए 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 आइए, जिनकी रिजर्वेशन है वो आइए, बाकी लोकल लोग भी भाई चढ़ना शुरू कर चुके हैं इसमें। देखिए ये लोकल लोग कहाँ जा रहे थे भाई? बड़गांव से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे, जो अपना श्रीनगर कश्मीर SINA का स्टेशन कोड है। 2 मिनट का हॉल्ट है और 20 मिनट की देरी से आई थी हमारी ट्रेन यहाँ पे। और भाई आपने देख लिया ना, लोकल जो पैसेंजर है उनको लगता है कि इसमें हम बैठ सकते हैं, लेकिन ये जो डब्बा है ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए या रिजर्वेशन के लिए है, लेकिन लोकल लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इसकी बुकिंग करनी है या क्या करना है। बाकी जो श्रीनगर है ये सिटी से बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है भाई सिटी से, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 9 गाँव में पड़ता है, कोई भी बंदा श्रीनगर से चढ़ता है तो 9 गाँव आना है, बस वगैरह चलती है भाई। बाकी देखिए यहाँ से निकल चुकी है अपनी ट्रेन, देखिए टूरिस्ट ट्रेन श्रीनगर कश्मीर से इसके पहले हॉल्ट से भाई। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई, यहाँ तो एकदम कोहरा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा देखिए। और यहाँ से TT भी चढ़ चुके हैं हमारी ट्रेन में चेकिंग वैकिंग करने के लिए भाई, कि लोकल लोग ना बैठ जाए भाई इसमें। बाकी ट्रेन कितनी 23 पैसेंजर है ना, 23 पैसेंजर है भाई इसमें देखिए। श्रीनगर से निकलती हुई अपनी ट्रेन, और मेन जो टूरिस्ट चढ़ते हैं ना इसमें वो श्रीनगर से ही चढ़ते हैं, क्योंकि यही है सिटी सेंटर, जो भी टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं वो यहीं से चढ़ते हैं। और भाई देखिए एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ गिर रही हो भाई, इतना कोहरा हुआ है। हमारा जो विस्टाडोम कोच है वो पूरा का पूरा टूरिस्ट के साथ भर चुका है भाई, देखिए मजा कर रहे हैं भाई फुल टूरिस्ट। बाकी इनसे अभी पूछेंगे कुछ इनको कैसा लगा। अगर आप इस ट्रेन में आते हो ना तो खाने पीने की आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बिकने वाला आएगा, जैसे नॉर्मल ट्रेन में पेंट्री वगैरह होती है ना, तो इसमें कोई भी बेचने वगैरह नहीं आएंगे इसमें। तो आप बाहर से मतलब ला सकते हो इसमें कुछ भी खाने पीने, अगर बाहर से लाओ तो सही है भाई। अभी इसका वॉशरूम रिव्यू करने जा रहे हैं हम, इस ट्रेन का वॉशरूम कैसा है, नीट एंड क्लीन है या क्या क्या मिलता है इसमें वो दिखाते हैं, ठीक है। तो वॉशरूम इसमें दोनों वेस्टर्न स्टाइल मिलेंगे आपको। तो ये हम आ चुके हैं इसके वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम के अंदर, जो कि एकदम लग्जरी है भाई। लग ही नहीं रहा कि मैं वॉशरूम के अंदर हूँ, ऐसा लग रहा है मैं होटल के वॉशरूम के अंदर हूँ, ट्रेन का वॉशरूम लग ही नहीं रहा भाई। यहाँ पे मिलता है आपको लिक्विड सोप, यहाँ पे मिलता है वाटर, पानी चल ही नहीं रहा। तो देखो इसका वॉशरूम मिरर है कितना ज़्यादा प्रीमियम है, ये देखो ओ हो हो, रंग बदलने वाला शीशा भाई, ये देखिए वाह एकदम भाई। यहाँ पे जो इंस्टाग्रामर है ना उनके लिए बहुत बढ़िया बात है ये, इंस्टाग्रामर के लिए ये तो भाई जन्नत हो गई। यहाँ पे इंस्टाग्रामर अपनी रील बना के इसको छोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चला के ना बंद कर सकते हैं भाई। मिरर देखो एकदम, बाकी हैंगर्स लगे हुए हैं, ये इसका एग्जॉस्टर आ गया, ये मिरर आ गया, और ये इसका फैन आ गया। बाकी वॉशरूम की साफ सफाई की बात करें तो वॉशरूम भाई नीट एंड क्लीन है, रेटिंग दूंगा इसको मैं 10 में से 10 भाई, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, 1% शिकायत नहीं है भाई, इतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। आपको दिखाते हैं काकपोर स्किप भाई, और देखिए रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी थी, पीछे आपने देख ही लिया होगा। और अभी आपको दिखाएंगे काकपोर स्किप, जो कि हमारी ट्रेन स्किप करेगी काकपोर को। काकपोर स्किप लूप लाइन पे नहीं गई हमारी ट्रेन, मेन लाइन से स्किप करती हुई देखिए काकपोर को, ये देखिए। इस साइड से भी देखिए मेन लाइन से स्किप कर रही है भाई काकपोर को, ये देखिए। सो लीजिए दोस्तों
अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट पे, एंड दो तीन स्टेशन इसने स्किप ही कर दिए, जो अपना अवंतीपुरा भाई। देखिए अवंतीपुरा पे अराइव करती हुई हमारी ये विस्टाडोम स्पेशल ट्रेन। और अवंतीपुरा की एक अलग ही हिस्ट्री है, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। एक राजा था हिंदू शासक, जिसकी वजह से अवंतीपुरा का नाम पड़ा भाई। तो बड़गांव से लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने दूसरे हॉल्ट पे, जो अपना अवंतीपुरा। और अवंतीपुरा पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे लगभग 10 मिनट की देरी से आई है। बाकी जो अपना अवंतीपुरा है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ एक टाउन अपना अवंतीपुरा, जो कि इसका नाम पड़ा था भाई राजा अवंती ब्रह्मन के कारण। अब निकल चुके अपनी ट्रेन अवंतीपुरा से भाई। देखिए अवंतीपुरा की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं आपको। यहाँ पे हिंदू शासक था अवंती ब्रह्मन करके, उसने 2 मंदिर बनाए थे यहाँ पे। एक बनाया था लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, और एक बनाया था लॉर्ड शिवा को, कि दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे मुगलों ने। तो अभी भी वो थोड़े बहुत मंदिर है यहाँ अवंतीपुरा में। अगर आप अवंतीपुरा घूमने आते हो तो आपको साइंस मिल जाएंगे, वो मंदिर मिल जाएंगे आपको। सो देखिए दोस्तों, अपनी ट्रेन अभी अप्रोच कर रही है अपने तीसरे हॉल्ट पे, जो अपना अनंतनाग। ये देखिए भाई, भाई उस साइड आया क्या प्लेटफॉर्म? अनंतनाग। और अनंतनाग की हिस्ट्री भी आपको अभी बताते हैं भाई। देखिए भाई, अनंतनाग दिख ही नहीं रहा है भाई, इतनी फॉग है भाई, पता ही नहीं चल रहा भाई ये अनंतनाग में पहुंचे हैं भाई की। देखिए कि नाग कोटी के वंश होते हैं ना, जो सरस्वत ब्राह्मण होते हैं। तो भाई बड़गांव से लगभग 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अभी अपने तीसरे ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना अनंतनाग। और जो अपना अनंतनाग है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है भाई श्रीनगर की, एंड जिसका स्टेशन कोड है ANT। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है अनंतनाग में। देखो भाई, इस ट्रेन को 10 मिनट का हॉल्ट मिला है, पता नहीं क्यों मिला है। बाकी सब जगह पे यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट क्यों मिला है सर इसको? गाड़ी आगे। अच्छा अच्छा, आगे गाड़ी, इसको DMU आएगी ना जो बनिहाल से, वही इसको पास देगी, इसलिए इसका 10 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन वगैरह पास करने के लिए। अभी अनंतनाग में हमारी ट्रेन 10 मिनट रुकी है, और हम और भैया पी रहे हैं यहाँ चाय। हाँ भैया, कैसा, अच्छा लग रहा है ना कश्मीर? बहुत अच्छा लग रहा है, कश्मीर इज ब्यूटीफुल। हाँ, और ये विस्टाडोम कोच, और विस्टाडोम कोच में हम यात्रा कर रहे हैं, और स्पेशली हम स्नो में भी आएंगे एक बार, स्नो गिरेगी जब, है ना। बाकी भैया से चाय ले रहे हैं भाई। अगर आप अमरनाथ जाना चाहते हो ना, तो आप अनंतनाग में उतर सकते हो। यहाँ से पहलगाम सिर्फ 45 किलोमीटर है। बाकी इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि अमरनाथ यात्री यहीं से डाइवर्ट होके जाते हैं। तो दोस्तों, निकल चुके हैं 10 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन अनंतनाग से, और यहाँ पे हमारी ट्रेन को पास करना था एक ट्रेन ने, लेकिन नहीं किया भाई, क्योंकि वो ट्रेन हो गई है थोड़ी सी लेट। ये भी थोड़ी सी लेट चल रही है भाई। और देखिए अभी अनंतनाग से निकलती हुई अपनी ट्रेन। अनंतनाग का नाम भी चेंज हुआ था इस्लामाबाद करके 1663 AD में, जब मुग़ल शासन हुआ करता था। एक गवर्नर था इस्लाम खान, तो उसने इसका नाम चेंज किया था इस्लामाबाद करके। फिर गुलाब सिंह का शासनकाल आया, तो उसने फिर से इसका नाम चेंज करके अनंतनाग रख दिया। बाकी अनंत एक ब्राह्मण था जो कि नाग कोटी वंश से था, इसलिए इसका नाम अनंतनाग है भाई। काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। और अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उतर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर पड़ेगा आपको यहाँ से अमरनाथ यात्रा का, जो ट्रैक है पहलगाम वाला। देखिए, और फॉग की वजह से पूरा का पूरा भाई व्यू एकदम धुंधला हो चुका है। यार देखो ट्रेन की भाई क्या रफ्तार है भाई। देखिए, और ये सारी सारी अपनी कश्मीर वैली, ये नीचे जितनी भी है ना घर दिख रहे हैं, ये सारी कश्मीर वैली है भाई, हमारी ब्यूटीफुल कश्मीर वैली। देखिए व्यू, देखिए क्या गजब का व्यू हो गया भाई। और यहाँ भैया बता रहे हैं कि यहाँ मौसम सही रहता है एज़ कंपैरिजन टू कश्मीर, क्योंकि ये थोड़ा जम्मू रीजन में आ गए ना हम। बाकी बर्फ़ यहाँ बहुत पड़ती है, अभी पीर पंजाल रेंज आएगी तो बर्फ़ यहाँ पूरी बराबर पड़ती है, लेकिन
ठंड तो यहाँ भी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी कश्मीर में थी। बस देखिए अभी अपनी ट्रेन अप्रोच कर रही है काजीकुंड को, रेलवे स्टेशन को देखिए, और मौसम एकदम साफ हो चुका है भाई। आगे 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 काजीकुंड। ट्रेन में यात्रियों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे यात्री नॉर्मल टिकट लेके इस ट्रेन में मतलब विस्टाडोम कोच में चढ़ने की ट्राई करते हैं। तो अगर कोई भाई कश्मीर से देख रहा है तो प्लीज़ ये ट्रेन आपके लिए भी है, लेकिन आपको इसकी बुकिंग करनी होगी। जो इसके बुकिंग चार्जेस रहेंगे वो 950 के आसपास रहेंगे, टैक्स वगैरह डाल के 963 रुपीज़ लगेंगे। की बात करें तो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी तक हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया भाई, और पहुंच चुकी थी अपने लास्ट ऑफिशियल हॉल्ट पे काजीकुंड QZ, इसका स्टेशन कोड है काजीकुंड का। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है काजीकुंड से। और अभी आपको दिखाते हैं इंडिया की सबसे लंबी रेल टनल, जो कि पीर पंजाल में बनी हुई है, जिसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर। लंबी रेल टनल है पीर पंजाल रेंज, उसका नाम है काजीकुंड बनिहाल रेल टनल। तो अभी काफ़ी मज़ा आएगा उसको देखने में, आती होगी अभी। और पीर पंजाल रेंज आपको पता ही है भाई, जो कि डिवाइड करती है, एक माउंटेन रेंज है जो कि डिवाइड करती है जम्मू और कश्मीर रीजन को, पीर पंजाल माउंटेन रेंज। आई है हमारी सारी कश्मीर घूमने आए थे, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। कुछ दो वर्ड्स कहना चाहोगे जो आप, जो आपकी बेस्ट मूवमेंट रही हो? गुलमर्ग में जन्नत, गुलमर्ग का गंडोला, श्रीनगर का शिकारा, सोनमर्ग की स्नो, और पहलगाम की पोनी राइड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, कितने दिन घूमे आप? हम 4 दिन घूमे, 5 दिन घूमे, और 2 दिन गुलमर्ग, 2 दिन सोनमर्ग, 1 दिन पहलगाम, और लास्ट डे हमारा श्रीनगर। अब हम जा रहे हैं बनिहाल, बनिहाल से जम्मू, जम्मू से जयपुर। ओके ओके, और पधारो मारे। चलो भाई, अच्छा लगा इनसे मिलके। दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा। ये निकल रही है भाई हमारी ट्रेन पीर पंजाल रेलवे टनल से, देखिए सबसे लंबी टनल पीर पंजाल टनल। देखिए इसको वैसे तो बनिहाल काजीकुंड रेल टनल के नाम से जाना जाता है। ये आ गया भाई हमारा बनिहाल। तो स्वागत है आप सभी का जम्मू रीजन में भाई। इस रेंज के बाद जम्मू रीजन शुरू।
स्वागत है आप सभी का इस रूट के आखिरी रेलवे स्टेशन पे फिलहाल के लिए, और अगले साल तक आपको यहाँ से उधमपुर तक या कटरा तक ट्रेनें देखने को मिलेंगी। तो जी दोस्तों, 15 मिनट की देरी के साथ हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन की डेस्टिनेशन बनिहाल में, और आज का सफ़र हमारा यही पे एंड हुआ। बाकी काफ़ी फास्ट ट्रेन है इस रूट की, ये टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन फास्ट इसलिए है क्योंकि इसके हॉल्ट कम है भाई, तो सबसे फास्ट ट्रेन है। बाकी दूसरी ट्रेनों से आओगे तो एक डेढ़ घंटा ज़्यादा लग जाएगा भाई। तो करते हैं इस जर्नी को यही पे एंड। आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये श्रीनगर का कश्मीर वैली का फर्स्ट विस्टाडोम था, और इसकी खूबसूरती में चार चांद तब लगेंगे जब ये ट्रेन स्नो में चलेगी, ठीक है। तो आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।